जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये एक बार है, अकेले रहना सीख जाओगे तो हर एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर होते चले जाएंगे। कहने का मतलब है, जब अकेले आप रहोगे तो केवल अपनी चिंता करोगे, जब दूर लोग रहेंगे तो उसकी भी चिंता सताती रहेगी और अपनी भी चिंता सताती रहेगी। तो इसलिए अकेले रहना सीखो दोस्तों, और अपने एग्जाम को क्लियर करने का इससे बड़ा बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का में जो सेशन चल रहा था हमारा, अनुपात और समानुपात, आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा मैथ में चल रहा था दोस्तों, ध्यान से देखना, मैथ में यानी कि गणित में जो चल रहा था हमारा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात, यानी क्या पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात। जो हमारा चैप्टर चल रहा था यानी कि रेशियो का एंड प्रोपोर्शन, ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, इसमें आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले, सिक्कों पर आधारित प्रश्न दोस्तों, जो टाइप हमारा जो भी है टाइप आज पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखना दोस्तों, सिक्कों पर आधारित प्रश्न आते कैसे हैं। सबसे पहले इसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको जानना होगा कि देखना, यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का प्रयोग होगा। 1 रुपये में आप ये बताओ कि 25 पैसे, यानी 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे को कितने को मिलाएंगे तो हमें 1 रुपया होगा। अगर 25 को 4 हो रहेंगे तो 25 चौक 100, 100 पैसे बराबर क्या होता है हमारा, 1 रुपया, यही जानते हो ना। इसी तरीके से कितने 20 पैसे के सिक्के रहेंगे, इसे 5 सिक्को मिलाकर तब 1 रुपया होगा। 10 पैसे के सिक्के रहेंगे, जब 10 पैसे के रहेंगे 10 सिक्का मिलाकर तब 1 रुपया का होगा। यानी कि जब 5 पैसे के सिक्के रहेंगे तो हमारा 5 कितना, 20 सिक्का मिलाकर 1 रुपया होगा। जब हमारा 50 पैसे के सिक्के होंगे तो हम जानते हैं कि 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपया होंगे। ये प्रोसेलिटी आपको दोस्तों जानना होगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है दोस्तों, तो देखते हो ये आपका क्वेश्चन कैसे आता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तब ये क्वेश्चन ये है आपका। देखो दोस्तों, आपका सवाल ये है कि एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में, सिक्कों की संख्या, जब इस सिक्के हैं तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, कर यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपये, मतलब रुपया में दिया, जब रुपया में दिया रहे तो ध्यान से पहले कंडीशन देखो दोस्तों। मैं आपको पहले बता रहा हूं 1 रुपये के जो है वो कितना है, 1 अनुपात में, इसे एक्स मान लो, अभी बता रहा हूं, फिर उसके बाद देखना कैसे मैं बताता हूं। कि 50 पैसे हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, अनुपात 4 है, हम इसे 4x मान लेते हैं। फिर देखो 25 पैसे है तो 25 पैसे का अनुपात कितना मान लेंगे, 4x। लेकिन जो कह रहा है कि इनका यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपये है, कितना है, 200 रुपये, रुपया में दिया ना, तो इन सबको जोड़ने पर, मतलब देखो यक्स है यानी कि 4x है पैसे, 4x पैसे हैं सिक्के, 4x इसको अगर रुपया में बदलना होगा तो जानते हैं कि अभी मैंने बताया 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे तो रुपया में बदल जाएंगे, तो अगर जितने तो इसमें 2 काम भाग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस 4x है, अभी बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो रुपया में बदलेगा, 4 सिक्के होंगे, इसमें हम 4 का भाग दे देंगे और टोटल इन तीनों को रुपया मिलाकर कितना रुपया हो रहा है दोस्तों, 200 रुपये हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गई, 200 रुपये। अब इसे हल कर कर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर 4 एक कम 4 कट गया, यहाँ पर 2 दुना के 4, अब देखो कट गया जब, तो इसको जोड़ दो, यक्स 2x और यहाँ पर 1x, यानी टोटल कितना, 4x बराबर 200, 4 5 20, यानी कि x बराबर हमारा हो गया कितना, 50। और हमसे पूछा किसका, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे की संख्या, सिक्का की संख्या हमने कितना माना है, 4x, तो 25 पैसे
सिक्के बराबर कितने, 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए 4x, x का मान कितना निकाले 50, तो बराबर कितना आ गया 200, यानी 25 पैसे के सिक्के 200 होंगे। अगर यही भी पूछ देता है कि 1 रुपया के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्के केवल x माना है तो हमारा कितना हो जाता 50, फिर यहाँ पर x तो यहाँ पर 200 हो जाता, ये भी कितना आ गया 200। बताओ दोस्तों बात समझ में, कुछ करना नहीं है, बस आपको ये है कि सिक्के की संख्या निकालना है और पूरा अनुपात यहाँ पर निकाल देना है दोस्तों, बात समझे दोस्तों। चलो इसी पर एक सवाल और देता हूं आपको, उसे आप लगाओ ठीक है। चलो देखो अगला सवाल आपका, ये अगला सवाल आप देखो दोस्तों, इसे आप लोग लगाओ, जैसे इसको मैंने बताया ना उसी तरह से इसको भी लगाना है आपको दोस्तों। करना क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं करो, सीधा सीधा जानते हो कि अगर रुपया है तो इसमें कोई दिक्कत परिवर्तन नहीं करना है, इसे रुपया में है तो इसे कोई परिवर्तन नहीं, 50 पैसे है तो इसके 2 सिक्के चाहिए हमें, 25 पैसे है तो कितने सिक्के चाहिए 4 सिक्के चाहिए, तब जाकर रुपया में बदलेगा। अब करो क्या, देखो 1 रुपया इसे 4x मान लो, 1 रुपया लेकर जो अनुपात रहेगा उसे सीधा मानो, अब प्लस कर दो फिर कितना 25 पैसे, तो 3x है तो 3x, अब 25 पैसे कितने सिक्के चाहिए 2 सिक्के, तो इसमें 2 का भाग, अब प्लस देखो आप 25 पैसे हैं तो यहाँ 8x मानो, और मैंने बताया कि जब 25 पैसे के सिक्के होंगे तो 4 सिक्के चाहिए, तब जाके 1 रुपया होंगे तो इसमें 4 का भाग दो, इन टोटल यानी बक्से की कीमत कितना रुपये 150 रुपये, मतलब इन सबको जोड़ने पर हमारा 150 रुपया आ रहा है, बस इसी को हल करना है दोस्तों। देखो 4 × 8 हो गया, इसका एलसीएम ले लेगा तो 2 हो जाएगा, जब एलसीएम 2 का तो 3 गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 × 8x, 2 कटेगा तो 3x, यहाँ पर बचेगा 2 × 4x बराबर 150 होगा। अब ऊपर जोड़ दो 8, 3, 11, 11, 4, 15/2 बराबर 150, 15 × 150 और यहाँ पर देखिए 2 भाग में है, 3 गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमें पूछा क्या, सभी सिक्कों का संख्या बताइए, तो जब संख्या बताएंगे जो अनुपात दिया रहेगा जो x का मान लाएंगे गुणा कर देंगे, तो 1 रुपया का सिक्का जब पूछेगा तो x का गुणा किसमें 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, फिर किसका 50 पैसे का, तो 50 पैसे का सिक्का जब पूछेगा तो हमारा x का मान 20 है, 20 गुणा 3 में कर दो तो 20 गुणा 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 25 पैसे में कितने का गुणा करना है, देखो अभी बताऊंगा कैसे एकदम देखना कैसे 150 रुपये जाता है, 8 का गुणा कर देंगे कितने 25, 8 × 16 मतलब इतना है। अब ये आपका सही है कि नहीं इसे चेक करना है सिक्कों की संख्या को, तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों देखना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अभी आपको, नहीं हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो देखो 1 रुपया का 80 पैसा है कोई दिक्कत नहीं, 60 पैसा निकाले हो यानी कि 60 पैसा, इसमें मैंने बताया कि 50 पैसा का 60 को सिक्का है तो 2 से भाग, फिर ये कितना 160 है, अगर ये 25 पैसे सिक्का है तो इसमें 4 का भाग, तब रुपये में बदलेगा, ऐसे जोड़ने पर अगर 150 आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पे जब काटेंगे तो 30 आएगा, यहाँ काटेंगे कितना जाएगा 40 आ जाएगा, इसे जोड़ोगे 150 आएगा, देखो 8, 3, 11, 4, 15, 1, 0 है लास्ट में 0, देखो हमारा यानी कि आंसर हमारा सही है, बात समझे। अब मैं आपको जो सवाल इस पर देने दिया जा रहा हूं दोस्तों, आपका आंसर तुरंत आना चाहिए दोस्तों, देखो ये अगला आपका सवाल है, देखो दोस्तों इसे आप लोग लगाओ, मैंने दिया है कि एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 × 2 × 3 के अनुपात में है, अगर कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। आपको ऐसे लगाने के लिए दोस्तों करना क्या, मैंने अभी तरीका बताया ना, सेम उसी तरह लगाओ दोस्तों, जब उसी तरह लगाएंगे तो मैंने कहा जब 25 पैसा है तो बताओ रुपया होने के लिए रुपया में दिया ना तो कितने सिक्के चाहिए 4 सिक्के चाहिए, 10 पैसे हैं तो रुपया होने के लिए कितने सिक्के चाहिए 10 सिक्के चाहिए, 5 पैसे हैं तो कितने चाहिए 20 सिक्के चाहिए, बस मैंने बताया अनुपात को रखो, यानी कि x मान लो 1 को, फिर इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, ये देखो x की जो वैल्यू है ये 25 पैसे के हैं तो 25 पैसे को रुपया होने के लिए इसमें कितने का भाग देंगे 4 का भाग देंगे, 10 पैसे के सिक्के को रुपया होने के लिए 10 का भाग देंगे, 5 का सिक्का है 5 पैसे के जैसे 20 सिक्के चाहिए,
तब जाके रुपया में बदल गए कि नहीं, इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 30 रुपया। अब इसे हल कर दो। जब इसे हल करोगे दोस्तों तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 20 होगा, 4 10 20 का एलसीएम ले 20, 4 5 20 यानी 5x, 10 2 20 2 2 4x, 10 20 20 यानी 3x बराबर 30। अब देखिए इसे जोड़ो, 5 4 9 9 3 12 बटे में 20x बराबर 30, यही होगा ना। देखो जब काटेंगे तो यहाँ कितने से कटेगा, 4 से काटे 4 3 12 5 5 20, 3 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 50। और हमें किसके सिक्के की संख्या पूछा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे की संख्या मतलब लास्ट वाला, तो मतलब 3 में आया यानी कि 5 पैसे के सिक्के। तो 5 पैसे के जब सिक्के निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना, 3 में 1 गुणा 50 कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 150, यही हमारा आंसर होगा। ये तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया। अब कितना भी सिक्का दिया रहेगा तो आपको तरीका निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है और आशा है दोस्तों कि अब आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों तब आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा चेंजिंग करके सवाल क्या पूछता है, देखिए ये अगला सवाल देखो दोस्तों, आपका अगला सवाल ऐसे आता है, कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं, तो नंबर एक पूछ रहा है सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की कीमतों में अनुपात। देखो यहां ध्यान से पहला जो पॉइंट आपको बता रहा हूं सॉल्व करो, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी कठिन होता ही नहीं है दोस्तों, एकदम जो मैथ होता है दोस्तों एक बार अगर आप जान जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। देखो बस इसके सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की ना, यहाँ 50 पैसा, यहाँ 125, 150 या 200 सिक्के, यही सिक्के हैं ना। तो हम देखो 25 पैसे के सिक्के हैं तो पहले अनुपात देखो, पहला पॉइंट जो पूछ रहा है अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात। देखो यहाँ पर अनुपात जब पूछ रहा है दोस्तों तो पहले देखो 25 पैसे कितने सिक्के, 50 संबंध है, 20 पैसे कितने सिक्के, 150 संबंध है, 10 पैसे कितने, 200, बस इसी का अनुपात निकाल दो, हो गया आपका आंसर। 50 एक कम 50, 50 3 150, 50 चौपर, इन जो अनुपात हुआ 1 संबंध है 3 संबंध है 4, बस यही हमारा आंसर हो गया। बस ये कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, देखो आपको बस ये आइडिया होना चाहिए। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, सिक्कों की कीमतों में अनुपात, कीमतों में अनुपात मतलब 25 गुणा 150 में कर दो मतलब कीमत निकल जाएगी, फिर क्या 25 गुणा 150 में कर दो इसकी भी कीमत निकल गई, फिर 10 का गुणा किसमें 200 में कर दो, तो कीमत का अनुपात हो गया। तो कटा दो, देखो यहाँ पर अभी कटा 1 आया है, ये 3 आया है, ये आपका कितना 4 आया, देखो ये भी 5 कट रहा है, 50 25 5 4 20, 5 2 10, अब देखो कहीं कट रहा है, सेम नहीं कट रहा है, तो मतलब 5 एक कम 5 4 3 12 4 2 8 यानी कि इससे कीमतों में अनुपात 5 12 8 होगा। ऐसे क्वेश्चन बताओ दोस्तों अगर आए एग्जाम में तो आप कर लोगे कि नहीं, मुझे आशा है कि आप सभी आप लोग क्या कर लेंगे दोस्तों। चलो इस पर एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों, एक और सवाल देखो, देखो ये अगला आपका सवाल है, देखो दोस्तों ये आपका लास्ट सवाल है, इस पर अनुपात समुपात पर और सिक्कों पर आधारित प्रश्न। मैंने एक क्वेश्चन कई बार आपको बता दिया, आप तो अब तरीका जाने गए लगा सकते हैं कि नहीं, आवाज तो क्लियर है ना मेरी, आवाज तो क्लियर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा आवाज तो क्लियर है ना मेरी। चलिए ठीक, 225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, सेम कंडीशन वही अभी जस्ट बताया, इसमें तो परिवर्तन करना नहीं है, 25 पैसे कितने सिक्के जाएंगे 2, 25 पैसे कितने जाएंगे 4, यही चाहिए, पैसा दे दिया है, अनुपात दे दिया, तो मैंने बताया कि अनुपात को क्या मानो, 8x 5x और 3x, इस तरह मान लो, ये रुपया को बताया 50 पैसे को 25 पैसे को, इसे जोड़ो और जोड़ने के बाद करो क्या, देखो 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के तब जाकर बनेगा, ये कितने 4 सिक्के, टोटल जोड़ने कितने हो रहे हैं 225,
यही हो रहा है। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो देखो चार आएगा ना, चार का गुणा इसमें कर देंगे आठ चौक बत्तीस एक्स, दो का भाग चार में करेंगे दो दुना के चार यानी पांच दुना के दस एक्स या तीन एक्स बराबर 225। अब देखो हल कर देते हैं, बत्तीस दस बयालीस, बयालीस तीन पैतालीस बटा में चार एक्स बराबर 225। पैतालीस पांच कितना होता है 225, तीर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा चार पचे बीस, चार पचे बीस। हमें किसके सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो एक रुपये के सिक्कों की संख्या तो एक रुपये सिक्के की संख्या यही ना, जो संख्या पूछे तो हमारा कितना है आठ, यानी कि आठ एक समान है तो मतलब आठ को गुणा बीस में कर देंगे हम तो आठ दुना के सोलह यानी कि एक रुपये के सिक्के कितने 160 यानी कि यही हमारा आंसर। अब बताओ दोस्तों ऐसा आएगा दोस्तों सभी लोग कर लो कि नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई में लीन हो जाइए और एग्जाम देखिए। अभी बिहार शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें देख रहे हैं कि 69,000 वैकेंसी थी, अरे 69,000 कर रहा हूँ 79,000 थी और 72,000 लड़के क्या हुए पास हुए, उसमें उन सभी लोग का रिजल्ट भी आ गया है। तो आप भी इतना मेहनत करिए दोस्तों कि आपका भी अगला एग्जाम जब हो तो आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल से एक नया चैप्टर हम लोग देखेंगे दोस्तों, और आज मैं इसको यही क्लोज करता हूँ। आपका अनुपात समानुपात का चैप्टर खत्म हुआ, अगर इसमें कोई आपको छूटा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, और जो आपके सवाल फंसते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दीजिए, अगली क्लास में आपको क्या करूँगा सवाल मैं बता दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों जय हिंद।